हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और दिवाली का त्योहार तो अच्छे अच्छे निकल गया। हाँ, सब कुछ बढ़िया है। आप लोगों का भी बहुत अच्छे से निकला होगा और अभी सारे गेस्ट हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके यहाँ कैसा माहौल है? और अब ठंड भी आ गई है, प्लीज आप लोग स्वेटर भी पहन लेना। कल मैं भी अपने स्वेटर निकाल लूंगी। मैंने पहन लिया कैल्विन, इन्होंने कैल्विन क्लेन की, इन्होंने अपनी गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और पहन लिए हैं। और इनकी दादी बहुत डांटती भी हैं कि सब बच्चे अच्छे अपने गर्म कपड़े पहन के रहो। बहुत डांटती है दादी। और गर्म कपड़े पहनने में बिल्कुल भी आप लोग शर्माना नहीं। मैं बोल रही थी कि आप लोग स्वेटर पहनने में बिल्कुल भी मत शर्माना, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, फिर पैसे तो आप ही लोगों में खर्च होंगे। हम लोग ने भी पहनना शुरू कर दिया है। आप प्लीज बच्चों का और अपने जो बड़े पेरेंट्स हैं, सब मम्मी पापा और जिनके सास ससुर हैं, वो सब अपना ख्याल रखना। ठंड से उनको जरूर बचाना। और आप भी बोलना चाहेंगी अपने फ्रेंड्स से, व्यूअर्स से? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि बस आप सब लोग अपना, सबसे पहले आप सब लोग अपने ही सेहत का ध्यान रखें, बाकी सब चीजें बाद में। और आपको उसके लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ठंडी चीजें नहीं खानी, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, और बस ठंडी चीजें आप लोग को नहीं खानी है। और आपको गर्म कपड़े पहनने हैं, और जिनका भी पहन लिए हैं और जिनका भी एसी कूलर है, सब उन्हें मतलब आप उन्हें भी ना चलिए, सभी ने चलेगा। इतनी मतलब गर्मी नहीं है, आप नॉर्मल फैन में भी आप सो सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। अभी एसी के कूलर के भी नीड नहीं है, तो अगर आप उन्हें बंद रखेंगे और सुबह शाम गर्म पानी अगर आप चाहे तो पी सकते हैं, अगर आप अपना गला ठीक रखना चाहते हैं। गौरी ने भी हाल फिलहाल में बहुत गर्म पानी पिया, तो उससे मेरा गला थोड़ा सा खुल गया। और आपको बस इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें, तो उससे आप ठंड से बचे रहेंगे। और आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाए, आप ना देखते नहीं आपके ग्लोव के साथ आपको क्या क्या पहनना है। और अभी गौरी खाने जा रही है गोलगप्पे, और क्योंकि एंजॉय चल रहा है अभी, अभी गेस्ट बैठे हुए हैं, फेस्टिवल खत्म रहता है, बातें खत्म नहीं होती हैं, तब सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। चलते हैं फिर किचन की ओर। किचन की ओर टेक केयर। तो ये वाला मीठा वाला आज किचन में गोलगप्पों की दुकान खुली हुई है। गौरी दीदी आ जाए, आइए अम्मा दीजिए, अम्मा आप भी आओ। कौन सा फ्लेवर लेंगी? पुदीने वाला। पुदीना फ्लेवर चॉइस बताएंगे सब लोग, पुदीने वाला फ्लेवर। गौरी आओ, गोलगप्पे खाओ, खाओ। मार्केट में होते हैं बताशे वाले भैया, और यहाँ पर आई हैं बताशे वाली दीदी। दीदी ये बच्चों को गोलगप्पे खिला रही हैं। और गौरी गोलगप्पे कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं भैया जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहन जी बहुत मेहनत कर रही हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। किचन में ही स्टॉल लग गया है और सभी गेस्ट आए हुए हैं, तो एंजॉय चल रहा है। मैंने खाया खट्टा मीठा। सब लोग खा रहे हैं गाइस गोलगप्पे, और मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, शाम का खाना, और दाल और राइस। और इधर रोटी सिक रही है, इधर गोलगप्पे अभी भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए हैं। मैंने नहीं खाए हैं, मम्मी ने नहीं खाए, पता नहीं अभी आप ही इनसे पूछिए इन्होंने क्यों नहीं खाए। मेरा पेट बहुत भरा हुआ था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए। ओ, पेट भरा था। हम लोग को तो बहुत अच्छे लगे, मतलब बढ़िया है। पैक्ड वाले भी बढ़िया होते हैं, ऐसे हम लोग नॉर्मली तो खाते ही हैं, मतलब जाके बाहर बाजार में, पर ये वाले भी बढ़िया थे, आप उसे ट्राई कर सकते हो एक बार। ये भी बढ़िया था, पास है। गेस्ट आए हुए हैं तो सबका एंजॉय चल रहा है, फिर सब लोग चले जाएंगे, घर सूना हो जाएगा, फिर हम लोग शैतानी करेंगे। अरे मम्मी हम लोग को भगा देंगे। बाय बाय।